घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम सबसे पहले और सबसे अहम खबर चमोली से, क्योंकि वहां पर कुदरत की तबाही के बाद जिंदगी बचाने का मिशन जोर शोर से जारी है। सुबह से ही दूसरी सुरंग में बचाव टीमें जुट गई हैं। सुरंग को खोलने की कोशिशें लगातार जारी है। ताजा अपडेट भी आपको दे देते हैं। उत्तराखंड के DGP के मुताबिक आपदा में अभी भी 153 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि मलबे से 14 शव निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू टीम्स ने अब तक 15 जिंदगियां बचाई हैं। पहली सुरंग से 12 लोगों को निकाला गया था। दूसरी सुरंग से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। टनल में करीब 30 लोगों के फंसे होने की आशंका है। कल सुबह दरअसल ये आपदा चमोली में देखी गई, और साथ ही जो तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उनकी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको दिखाएंगे कैसे चमोली आपदा में लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। 170 तकरीबन ऐसे लोग हैं जो लापता हैं। तपोवन से मेरी सहयोगी मीनाक्षी कांडवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। वहीं हमारे संवाददाता मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ तपोवन से ही जुड़ गए हैं। गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले गौरव, आपका रुख करते हुए जहां पर आप खड़े हैं वहां पर जो रेस्क्यू टीम्स मौजूद हैं उनसे अगर आपकी बातचीत हुई, क्या कहना है उनका, क्या है ताजा अपडेट, क्या है करंट सिचुएशन? हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा भी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, जहां पर आप मौजूद हैं वहां से क्या ताजा अपडेट है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? नेहा, ये आज तक के कैमरे पर पहली तस्वीरें हैं रैनी गांव की, उस जगह की जहां एवलॉन्च हिट हुआ था और तबाही का क्या मंजर वो लेकर के आया है ये इस कैमरे पर देख रहे हैं। ये आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उस रैनी गांव की। चूंकि यहां पर सड़क कनेक्टिविटी बह गई है, यहां तक पहुंचने के लिए हमें लगभग पूरा एक पहाड़ का रास्ता कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ा है। और आपको बताऊं, हमारे पास जो धवल सिंह हैं ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, इसी गांव के रहने वाले, इनके सामने सारी घटनाक्रम हुई। लेकिन एक बार आपको नंदा देवी जो शिखर है वहां उस इलाके की तस्वीर दिखाते हैं। ये सारा ग्लेशियर है, सूरज की तपती रोशनी के चलते कुछ भी देख पाना मुश्किल है। वहां से ग्लेशियर बर्फ का टुकड़ा जैसे ही नीचे आया और वो कुछ ऐसा सैलाब लेकर के आया कि मानो 2013 की वो जो भयावह तस्वीरें थी वो लोगों के जहन में आ गई। यहां अब सब कुछ समतल है, लेकिन आपको बताऊं कि दरअसल यहां पर भी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, एक पूरी कंपनी थी जिसके सिर्फ अब यहां निशान दिख रहे हैं। पूरी कंक्रीट इमारत थी, यहां पर बिल्डिंग थी, वो सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गई है। इतना मलबा है यहां कि सब कुछ उसके साथ बह गया। मलबे की जो ऊंचाई है लगभग 40 से 50 फीट ऊपर तक गई थी। यहां तक कि नीति को जोड़ने वाला ये जो स्ट्रेटेजिक पुल था, ब्रिज, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इसका भी मुआयना जो अफसर हैं वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ गांव का जो एक हिस्सा आप देख पा रही हैं, इस गांव के कई सारे घर भी यहां से बह गए। यही वो दरिया है, ये जो आप देख पा रहे हैं नाला, दरअसल यही वो लाइन है जो इस पूरे सैलाब को लेकर के आई। एक बर्फ का टुकड़ा, बड़ा सा ग्लेशियर आता है और अपने साथ इतनी तबाही लेकर के आता है। धवल सिंह उन प्रत्यक्षदर्शियों ने जिन्होंने सब कुछ अपनी आंख से न सिर्फ देखा बल्कि जो लोग यहां इमारत में फंसे थे उनको बचाने का भी काम कर रहे थे, उनको आवाज भी दे रहे थे। धवल सिंह जी, मैं चाहूंगा आप यहाँ आए संभाल के। दरवान सिंह, ये बताइए क्या हुआ था उस दिन, आपने क्या क्या देखा? कैमरे की तरफ देखिएगा और जानकारी दें हमारे तमाम दर्शकों को क्या हुआ था आपके सामने। सर, ऊपर से जब बाढ़ आया, आवाज हुआ साहब उसका, बहुत भयंकर आवाज हुआ, पेड़ भी टूटा। और कंपनी में यहाँ पर बहुत आदमी थे, 30-40 आदमी थे यहाँ कंपनी में। कितने लोगों को आप निकाल पाए उस समय? वो तो भगे साहब, इधर से यहाँ निकल गए जो बच गए, और को पता नहीं चला साहब। ये नहीं पता चला कि बाकी लोग कहाँ है? जो जिसने देखा होगा बाढ़ आते समय वो तो यहाँ बच गया, इधर आ गया खेत में, और को पता नहीं चला साहब। आपको कितना समय मिला था आवाज सुन के लोगों तक मदद पहुंचाने में कि वो लोग वहां से निकल पाए? यहाँ तक आ गए थे सर, ये आगे तो कैमरा उधर वहाँ देखा, ये पेड़ तक आ गए थे बाढ़, तब तक हमने आवाज मार दिया तो वो बहुत फोर्स से आ गया बाढ़। तो कंपनी वाले को तो बिल्डिंग के पास था ऊपर कमरे में, तो मैंने ऊपर से सीट भी मारा, मैंने कहा भाषा भाग जाओ, ऊपर से ग्लेशियर आ गया। तो कुछ कर्मचारियों ने तो उछाल काट के, तब तक पूरा बिल्डिंग फट गया साहब। दरबान सिंह ये कह रहे हैं कि दरअसल जो लोग थे उनको उन्होंने आवाज दी थी। पहली बार आज तक का कैमरा उस जगह पहुंचा है जहां एवलॉन्च ने दस्तक दी थी। नंदा देवी शिखर से होते हुए ये जो पूरा इलाका है, बर्फ का टुकड़ा नीचे गिरता है,
खाई में आते आते अपने साथ मलबा पानी और सब कुछ लेकर के आता है, और वो इस कदर लेकर के आता है कि यहाँ लगभग 40 से 50 फीट ये जो निशान है इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है नेहा कि जो पानी का स्तर रहा होगा, मलबे का स्तर रहा होगा, वो कितना ऊंचा होगा। और अगर इतना ज्यादा मलबा होगा, इतना ज्यादा इतना तेज प्रवाह होगा, तो आखिर अपने साथ अगर वो कॉन्क्रीट का एक बना बनाया पुल, जो कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण, अगर ऐसा पुल वो तोड़ सकता है, एक पूरी कंपनी जो यहाँ जो इमारत होती है उसे अपने साथ बहा ले जा सकता है, तो इंसान की आखिर बिसात क्या है, जो इसके रास्ते में आएगा वो इसका शिकार हो जाएगा। ठीक है, लौटेंगे मैं आपके पास। आशुतोष, आप रेणी गांव में मौजूद हैं और प्रत्यक्ष दर्शी से बात कर रहे थे, जिन्होंने इस पूरी आपदा, इस पूरी त्रासदी को आंखों देखी उन्होंने बताया। मेरी सहयोगी मीनाक्षी कांडवाल भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, मीनाक्षी तपोवन में मौजूद है। मीनाक्षी, आप क्या रेस्क्यू की तस्वीरें देख पा रहे हैं? आप वहां देर रात से ही मौजूद हैं, तब से अब तक राहत और बचाव के काम में कितना फर्क और कितना अंतर? क्या और टीम्स वहां पर पहुंचेंगी थोड़ी देर बाद? नेहा, देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि मौसम साफ है और इसी वजह से रेस्क्यू चलाना जो है कंपैरेटिवली आसान है। हम आपको रेस्क्यू साइट की इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको गढ़वाल स्काउट से लेकर ITBP की टुकड़ी, SDRF की टुकड़ी और स्थानीय लोग मदद के लिए जो है वो आगे दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस वक्त चुनौती नेहा यहाँ पर ये है, अगर आप जरा महेश यहाँ पर दिखाइए प्लीज, चुनौती ये है कि जो ये मलबा आप देख रहे हैं, इस मलबे की तो यहाँ से शुरुआत हो रही है, लेकिन जो सुरंग का मुख्य द्वार है दरअसल वहाँ पर भी मलबा काफी है और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, जो DGP ने भी हमने बातचीत करते हुए बताया कि करीब 30 ऐसे लोग हैं, जो अब 30 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो भीतर फंसे हुए हैं। चैलेंज इस वक्त यही है कि पहले मलबा हटाया जा पाएगा, उसी के बाद उन लोगों की क्या कंडीशन है, वो जीवित अवस्था में है या किस अवस्था में है, ये उसके बाद तय हो पाएगा और यही इस वक्त प्रायोरिटी भी है। अब देखिए मलबे जो है वो दलदल जैसा है, इसलिए इस पर चलकर जा पाना मुमकिन नहीं है, तो इसके लिए मशीन यहाँ पर लाई गई है और लकड़ी के बड़े बड़े फट्टों को यहाँ पर लगाया गया है ताकि जो लोग अंदर मौजूद है उनको उन्हीं फट्टों के जरिए बाहर निकाला जा सके। अब एक बार हम आपको यहाँ पर जरा पानी की तस्वीर भी दिखाते हैं। महेश, जरा उस तरफ कैमरा पैन करके दिखाइए, वहाँ दूर जो देखिए आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, ये दरअसल धौली गंगा वाला एरिया है, ये हादसे की सेकंड साइट है। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट तो पूरी तरह से वॉश अवे हो गया, लेकिन ये जो अभी आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत हिस्सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि आप पानी का भी लेवल अगर अभी देखेंगे तो आपको पानी का लेवल बहुत ही कम दिखाई देगा, लेकिन कल ऐसी तस्वीर नहीं थी। यहाँ पर हमने प्रत्यक्ष दर्शियों से बात की तो उनका ये कहना था कि सिर्फ 30 सेकंड लगे, 30 सेकंड, और उस 30 सेकंड में ऐसी तबाही आई कि समझ नहीं आया कि एक इतना बड़ा पावर प्रोजेक्ट उनकी आंखों के आगे से गायब हो गया उन 30 सेकंड के भीतर। लेकिन इस साइट पर जो हादसे की ये सेकंड साइट है, यहाँ पर टाइम था, कम से कम उतना टाइम मिला कि रिस्पॉन्स जल्दी दिया गया जो राज्य प्रशासन है उसकी तरफ से, और वो जल्द रिस्पॉन्स की वजह से ही देखिए ये श्रेय देना पड़ेगा राज्य सरकार को और यहाँ पर जो जवान तैनात है उनको कि जो नुकसान ज्यादा हो सकता था उसे कम से कम कंट्रोल कर पाने में, मिनिमाइज कर पाने में कामयाब रहे। ये आप देखिए लकड़ी के पट्टों की ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, इन्हीं पट्टों को यहाँ पर खासतौर पर लाया गया है अंदर से जो लोग फंसे हैं उनको बचाने के लिए। सर अभी और क्या क्या जा रहा है यहाँ पर अंदर? अभी ये पोकलिन मशीन जा रही है और JCB मशीन मारी जा रही है, तो अभी अंदर कितना मलबा है, अंदर कितना मलबा है जाने के बाद ही पता लगेगा। तो यहाँ पर भी अभी प्राथमिकता यही है पहले कि जल्द से जल्द मदद भीतर पहुँचाई जाए और उसके बाद ही जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें बाहर निकाला जा सकेगा। नेहा, मीनाक्षी, लौटूंगी मैं आपके पास। रेणी गांव से आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, आप प्रत्यक्ष दर्शी से बात कर रहे थे, महज चंद सेकेंड्स में इतनी बड़ी त्रासदी वहां पर लोगों ने देखी कि संभल पाना मुश्किल था। ऐसे में ये जो मौत का आंकड़ा है, मरने वालों का आंकड़ा है, ये बढ़ सकता है क्योंकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जो जहां पर त्रासदी वाली जगह थी उसके किनारे बसे हुए थे, उनको पता भी नहीं लगा। बिल्कुल, और दरअसल यहाँ पर भी हाइड्रो प्रोजेक्ट ऋषि गंगा के साथ, यहाँ चूंकि प्रोजेक्ट के कई सारे हिस्से होते हैं, उनमें से एक प्रोजेक्ट नहीं है जिसके ठीक ऊपर मैं खड़ा हूँ, और ये जो मैं सिर्फ यहाँ देख पा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मलबा, और चूंकि यहाँ काम हो रहा था, यहाँ पर एक इमारत थी, यहाँ कई सारे लोग रह रहे थे, और विभीषिका कैसी रही होगी अगर इसको समझना हो तो इस प्रवाह को हम सीधे उस पहाड़ी से देखेंगे, नंदा देवी का ये जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ से कि आखिर जब वो ग्लेशियर का टुकड़ा यहाँ से नीचे उतरा होगा तो उसकी रफ्तार क्या रही होगी, जिस रफ्तार से वो
नीचे गिरता है। दरअसल ये पतली खाई सी इलाकी है जिसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं होता जब तक कि गर्मियों का मौसम ना आए, बर्फ ना पिघले। लेकिन जब ये हिमस्खलन हुआ उसके बाद ये इतना तेज प्रवाह लेकर के आता है इस संकरे रास्ते में कि जो मलबा था वो मानो कागज के तिनकों की तरह या तिनकों की तरह बस उछल रहा था। दरबान सिंह जी, आपने जब अपनी आंखों से देखा था वो मंजर कैसा था? मैं चाहूंगा उधर देखें, हमारे तमाम दर्शकों को बताएं, आपने अपनी आंखों से जो मंजर देखा था वो क्या था? वो साहब ऐसे उछल रहा था जी, पूरा मलब उछल रहा था साहब। कितने लोग आपका आपके अनुमान से यहाँ हो सकते थे बिल्डिंग में उस समय? उस समय तो दिखाई तो नहीं पड़ा, भाग रहा था साहब, भागते हुए दिखाई पड़े। हाँ साहब, तब तो मैं आवाज मारा, तब तो ग्लेशियर के फोर्स से वो सब उसके साथ पलट गए साहब। कितने सारे लोग आपके साथ मदद करने के लिए आए थे गाँव के लोग? इधर तो आर्के तक कुछ आवाज मारा साहब, बहुत लोग आर्के थे। दरअसल दरबान सिंह जहाँ रहते हैं ये गांव चुकी स्कैटर्ड है, पहाड़ के गांव है। मैं आपको दिखाऊं ये जो गांव है कैसे बस, यहाँ नीचे से लेकर के ये पहाड़ पूरा ऊपर तक जो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होता है गांव में, इसलिए। और जो ऊपर के लोग थे वो सबसे पहले इस आवाज को सुन पाए। आपने सबसे पहले जो तस्वीरें भी देखी वो सबसे पहले तस्वीरें इन गांव के लोगों ने ही अपने कैमरों में कैद की। और इसके बाद से ये जो पुल है ये पुल नीति को जोड़ता है, जोशीमठ से आगे बढ़ते हुए एक पूरे हिस्से को, नीति जो कि आगे जाकर के चीन की सीमा लगती है। ये पुल बहुत ही रणनीतिक सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन ये कॉन्क्रीट का पुल जिस पर बड़ी बड़ी गाड़ियां जा सकती थी, कैसे इस सैलाब के सामने मानो बस तिनके की तरह बिखर के रह गए। और इसके आगे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये कई एकड़ में है, आप ये देख पा रहे हैं, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े से लेकर के पिलर, बिजली के खंभे, तार, मैं बयान नहीं कर सकता कि यहां मैं अपनी आंखों से क्या क्या देख सकता हूं। अब ये जो है पानी तो कम हो गया है लेकिन राहत बचाव करना इसलिए भी यहां नेहा मुश्किल होगा कि मुझे यहां से पहुंचने के, मैं आपको एक हिस्सा अगर समझाने की कोशिश करूं तो लगभग यहां से 500 मीटर दूरी पर सड़क आगे बह चुकी है, उसके आगे कुछ नहीं बचा है। वहां से यहां आने के लिए मुझे ये पूरा पहाड़ का जो हिस्सा है वो पार करके आना पड़ा। आप ये समझ सकती हैं कि अगर राहत बचाव कार्य शुरू करना पड़े या यहां पर लोगों की खोज करनी हो तो वो पूरा मिशन कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अब जो है पानी का स्तर बेहद कम है, जाहिर है जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी चिंता की कोई बात है नहीं। लेकिन हाँ, संभावना इतनी पूरी है कि जो लोग इमारत में थे, जो भाग नहीं पाए, जो एवलॉन्च की वो आवाज, वो धमाका नहीं सुन पाए, अगर वो इसमें फंसे हैं तो आखिर उनको कैसे निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो पावर प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है, बड़ा सारा हिस्सा जो है वो इसके साथ बह चुका है। अब यहां पर जो कुछ बचा है वो सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान। लौटूंगी मैं आपके पास आशुतोष, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देख रहे थे आशुतोष मिश्रा की, जो कि बता रहे थे कि कैसे वहां पर तबाही और त्रासदी का मंजर लोगों ने देखा। कई बच गए, कई फंस गए। और ऐसे में अपडेट जो इस वक्त उत्तराखंड आपदा को लेकर आ रहा है वो ये कि रेणी पावर प्रोजेक्ट से अब भी 32 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जी हाँ, 32 लोग ऐसे हैं जो मिसिंग है। NTPC प्रोजेक्ट से 121 लोग लापता है। ये वही प्रोजेक्ट है जो त्रासदी के सबसे नजदीक था। राज्य सरकार ने MHA को जानकारी दी है लापता लोगों की कि इतनी संख्या में लोग लापता हैं। हालांकि ये आंकड़ा घट और बढ़ सकता है, लेकिन ये आंकड़ा MHA को बताया गया है। तपोवन में बड़ी टनल के 30 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तपोवन में सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो चमोली का तपोवन बांध जहां पर सबसे ज्यादा कहर टूटा उसकी अभी तक आपने आसमानी तस्वीरें देखी, लेकिन आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, उस बांध तक सबसे पहले पहुंची और तबाही को नजदीक से देखा। आप भी देखिए आज तक संवाददाता दिलीप सिंह राठौड़ की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले सीक्वेंस समझने की जरूरत है कि आखिर हुआ क्या था कल। आप अगर सामने देखेंगे तो सामने ग्लेशियर आपको दिखाई देंगे और वहाँ ग्लेशियर से एक ग्लेशियर टूटा और उसने एक पीछे एक डैम को तबाही के रूप में बदल दिया और उसका पानी मलबे के साथ जब यहाँ नीचे आया तो ये तपोवन का डैम है। आप इसके हालात अगर देखेंगे तो ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि क्या रहा होगा। ये तकरीबन 30 फीट ऊपर मलबा इस समय है। ये जो पानी का प्रेशर अगर आप देखेंगे ये एक्चुअल में टनल है जो अंदर करीबन 180 मीटर या 200 मीटर के आसपास अंदर जाती है जहाँ से पानी निकलता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। और यही वो जगह है जहाँ पर तकरीबन 150 से ज़्यादा लोग मलबे में दबे हैं। आप गौर से देखें कि पानी जिस समय आया उसने दोनों तरफ तबाही मचाई और जो ये कभी डैम हुआ करता था उसको पूरी तरीके से उसने तबाह और बर्बाद कर दिया। अगर आप सामने देखेंगे ये गांव दिखाई देगा आपको, लेकिन चूंकि पानी जिस तरीके से यहाँ पर आया और तो उसने इससे
डैम से पहले एक पुल पड़ता है, पुल को भी तबाह कर दिया, तोड़कर रख दिया पुल को। तो इस गांव का जो संपर्क है पूरी तरह से कट चुका है इस समय बद्रीनाथ जोशीमठ या आसपास के क्षेत्रों में जाने वालों के लिए, और ये अब इस समय पूरी तरह से अपने ही गांव के अंदर कैद होकर रह गए हैं। ये गौर करने वाली बात है कि जिस तरीके से ITBP और SDRF और तमाम और एजेंसीज यहां लगातार काम कर रही हैं, उसको देखकर ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन अभी हालात ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ लोगों को पहले बचाने की जल्दी है जो लोग इस टनल में फंसे हुए हैं। हम ठीक टनल के ऊपर इस समय खड़े हुए हैं और ये गौर करने वाली बात है कि टनल की लंबाई जिस हिसाब से है उसमें पूरी रात वो लोग वहां फंसे रहे, और अभी हालात उनके क्या होंगे ये बताना बेहद मुश्किल है। कैमरामैन अनिल बडूनी के साथ दिलीप सिंह राठौर, तपोवन, आज तक। तो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने आज तक पर देखी, जिसमें उस टनल की तस्वीर हमने आपको दिखाई जिसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। यहां पर इस वक्त तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीर आप देखिए जब ग्लेशियर टूटा और कैसे पूरे बांध को इस ग्लेशियर ने नष्ट कर दिया। तबाही का वो मंजर, चंद मिनट चंद सेकंड्स में सब कुछ तबाह हो गया या अपने साथ इस मलबे ने न जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी। तो तपोवन प्लांट की पहली सुरंग से सभी लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं, लेकिन दूसरी सुरंग में ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। सुबह के वक्त जब दूसरी सुरंग को खोलने का ऑपरेशन तेज हुआ, तब आज तक संवाददाता मंजीत सिंह नेगी की इस रिपोर्ट को देखिए। तपोवन में NTPC की दूसरी टनल को खोलने की कोशिशों में लगातार मुश्किलें आ रही हैं। पहले मैनुअल अंदर जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद अब दोबारा एक बार फिर से JCB की मदद दी जा रही है। और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये 1.5 किलोमीटर से लंबी टनल है और जो मलबा है वो कई फीट तक अंदर भरा हुआ, आप देख सकते हैं कि तमाम एजेंसियों के लोग जो है, चाहे सेना की बात की जाए, IT, NDRF, सभी लोग यहाँ पर युद्ध स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त इस 1.5 किलोमीटर लंबी टनल में 37 लोग हैं जिनको करीब 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। और यहाँ पर सभी मशीनों के जरिए, उसके अलावा मानव श्रृंखला बनाकर कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। कैमरामैन रितेश के साथ जितनी तपोवन आज तक। और तपोवन से ही मेरी सहयोगी मीनाक्षी कानवाल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्योंकि लगातार टीम्स रेस्क्यू ऑपरेशन में तो लगी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं भी आ रही होंगी जिसके चलते ऑपरेशन पूर्ण करने में या जो लापता लोग हैं उन्हें ढूंढ निकालने में देरी हो रही है। मीनाक्षी के पास लौटूंगी मैं, तमाम अपडेट्स हम लेंगे, लेकिन उत्तराखंड आपदा पर सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ी ये रिपोर्ट आपने देखी और हमने आपको ग्राउंड जीरो से भी कई तस्वीरें दिखाई हैं। नमस्कार, 9:30 बज गए हैं, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। चमोली में कुदरत की तबाही के बाद जिंदगी बचाने का मिशन अब भी जारी है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज तक पहली ऐसी टीम है जो ग्राउंड जीरो से आपके लिए तमाम रिपोर्ट्स लेकर आई है। हमारे तीन संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपोवन से मेरी सहयोगी मीनाक्षी कानवाल हमारे साथ है, रेड़ी गांव से आशुतोष मिश्रा है, वहीं तपोवन से ही मौजूद है गौरव सावंत। इन तीनों का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आपको अपडेट बता देते हैं कि जिंदगी बचाने का मिशन जोर शोर से जारी है। सुबह से दूसरी सुरंग को खोलने का बचाव टीमें इसमें लग गई हैं। 153 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के DGP के मुताबिक 153 लोग मिसिंग हैं। मलबे से 15 शव निकाले जा चुके हैं, अलग अलग जगहों से 15 शव बरामद किए गए हैं। वहीं रेस्क्यू टीम्स ने अब तक 15 जिंदगियां बचाई भी हैं। पहली सुरंग से 12 लोगों को बचाया गया, दूसरी सुरंग से रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है जिसकी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे और बता रहे थे कि कैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। गौरव सावंत मेरे सहयोगी इस वक्त तपोवन से जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि आपदा पर राज्यसभा में वेंकैया नायडू बोले हैं। कल भी हमने देखा था कि अपने दौरे के बीच कैसे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही अमित शाह इस आपदा पर नजर बनाए हुए थे, गृह मंत्री को जानकारी देने को कहेंगे। ये वेंकैया नायडू ने आज राज्यसभा में साफ किया है। आपदा पर उत्तराखंड के सीएम से बात की है। वेंकैया नायडू ने कहा कि उनसे बातचीत करके वहां पर क्या कुछ इस वक्त किया जा रहा है बचाव और राहत के लिए, ये जानकारी ली है। लेकिन अब भी टनल में फंसे हैं लोग, ये वेंकैया नायडू साफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस पर पल पल की अपडेट सरकार ले रही है उत्तराखंड सरकार से। वहां पर राज्य में किस तरीके से बचाव किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कैसे अलग अलग टीम्स की मदद ली जा रही है, वो तमाम अपडेट लिए जा रहे हैं। मीनाक्षी मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई। मीनाक्षी, आपने बताया कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर किया जा रहा है, लेकिन जो मलबा है उससे निकलना, उससे गुजरना, क्योंकि बार बार रेस्क्यू टीम्स के पैर उसमें फंस रहे होंगे, कई तरीके की बड़ी चुनौतियां हैं, इनसे कैसे पार पाया जा रहा है, क्या देख पा रही हैं आप? नया सिर्फ रेस्क्यू टीम के ही पैर नहीं, अगर आप इस वक्त मुझे भी देखें तो, क्योंकि मैं इस दौरान यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही थी और ये मलबा इतना खतरनाक है कि एक स्टेप अगर आपका उसके ऊपर पड़ता है तो आप पूरा उसके अंदर किसी दलदल की भांति चले जाते हैं और फिर उसके बिना किसी की मदद के आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन इस बीच आप यहाँ पर बाकी टीम्स को भी देखिए, यहाँ पर आप गढ़वाल स्काउट्स की इस टीम को देख रहे हैं, ये जो व्हाइट यूनिफॉर्म में है यही लोग भीतर जाएंगे सुरंग के। कल भी ये सारी टीम्स यहाँ पर मौजूद थी और देखिए पीछे आपको ITBP की टीम्स दिखाई देंगी। तो यहाँ पर कोशिशें पूरी यही हैं कि अंदर जिंदगी को बचाया जाए जो लोग भीतर फंसे हैं। 30 से 35 की संख्या अभी कही जा रही है जब हमने DGP से भी बात की, लेकिन अभी चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग किस कंडीशन में है इसको लेकर कोई अंदाजा नहीं। मैंने DGP से सवाल पूछा कि क्या किसी तरह की कोई आवाज सुन पाए हो या किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि मलबे की जो ये पूरी दीवार है दरअसल ये इतनी मोटी है कि ना तो इधर की आवाज उधर जा रही है ना वहां से किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन हो पाया है। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और इसीलिए आप देखिए यहां पर पूरे के साथ हौसले के साथ ये हमारे देवदूत बनकर भीतर भीतर जाएंगे। आप लोग कल भी यहाँ पर मौजूद थे? कल कितनी देर चला था? कल 1 बजे से चला था, पूरी रात चला था। अभी कितनी देर में सर आप लोग भीतर जाएंगे? अभी जैसे खाली होता है तो 150-200 मीटर आगे तक, अभी जैसे मशीन काम कर देगी उसके बाद हम लोगों ने जाना है। सर जो व्यूअर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं गढ़वाल स्काउट्स की पूरी टीम अंदर जाने वाली है, मैंने देखा कि ये मलबा जो है कितना खतरनाक है, मेरा एक पैर उसके भीतर गया और फिर मैं बैलेंस नहीं बना पाई और अंदर जो मलबा है वो तो पूरा एक दीवार की शक्ल में, पूरा एक ढेर की शक्ल में ऐसा है कि वो क्लियर करके ही दूसरी पार जा पाएंगे। कितना टफ होता है सर ये, कितना चैलेंजिंग होता है? ये वैसे भी पूरा दलदल बना हुआ है, काफी हद तक नीचे चले जा रहा आदमी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा खुलने मशीन निकलेगी हम लोग अभी 150-200 मीटर अंदर आएंगे। अच्छा, आप लोगों की तो ट्रेनिंग भी ये इस तरह से है कि आप जो इक्विपमेंट लेके जा रहे हैं, जैसे मैं देख रही हूँ आपके हाथ में ये एक फावड़ा नुमा चीज है, इसको आप वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, और किस किस तरह के इक्विपमेंट्स हैं? लकड़ी के फट्टे, क्योंकि हम फट्टे यूज कर रहे हैं वहाँ पे दलदल से बचने के लिए ताकि पांव धंसे नहीं। और आप लोग कैसे बैलेंस बनाएंगे वहाँ पर भीतर जाकर? डंडे लेके जा रहे हैं हम, डंडे लेके जा रहे हैं जी, मैम फट्टे वगैरह लेके जा रहे हैं वहाँ पे, अब उसी के आगे आगे बढ़ रहे हैं। आगे तक गए थे लेकिन क्या है संभव नहीं है आगे जाना, बिल्कुल आगे पूरा ब्लॉकेज है। गढ़वाल राइफल्स भी बड़े गर्व से कहती है बद्री विशाल की जय, और मुझे ध्यान है कि कल जब एक शख्स को निकाला गया था बाहर वो एक ऐसी तस्वीर थी जिसने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे उत्तराखंड को प्रेरणा दी थी। मैं चाहूंगी अगर एक बार वो उद्घोष करके आप सबके भीतर एक जोश जो है, गढ़वाल स्काउट की जय और बद्री विशाल लाल की जय। तो देखिए नेहा, ये जो एक तस्वीर है यहाँ पर आप देखिए कि उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन जिनके अपने खोए हैं उनके मन में चिंता उन्हीं लोगों के लिए है जो लापता हुए हैं, उनकी कोई खबर मिल जाए, कोई सूचना मिल जाए, ये एक इस वक्त बहुत बड़ी चिंता है। और नेहा देखिए, ये इस घटना का मानवीय पहलू भी है, जब हमारा कोई अपना चला जाता है, उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, तो शायद भीतर ही भीतर हम ये मान लेते हैं कि वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जब कोई लापता हो जाता है, जब उसका कोई सुराग नहीं मिलता, तो आपकी आंखें उस इंतजार में, उस अंतहीन इंतजार में बीत जाती हैं, इंतजार अंतहीन हो चला जाता है जब आप ये नहीं समझ पाते कि आपके अपने के साथ क्या हुआ है। और वो चिंता, वो तकलीफ हमें यहाँ पर उन स्थानीय निवासियों के भीतर दिखाई दी जिन्होंने ये कहा कि बस उनके अपने घर लौट आए, उनके बारे में कोई जानकारी मिल जाए, इतनी ही उनकी उम्मीद है। एक बार महेश आप उधर जरा कैमरा पैन करके दिखाइए, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चल रहा है और टीम्स जो है भीतर जा रही हैं, लेकिन चुनौती अभी पहले मलबा हटाने की है, जब मलबा से हट पाएगा उसके बाद ही भीतर जाने की कोई गुंजाइश होगी। लेकिन नेहा, अगर हम कंपैरिजन करें 2013 की त्रासदी से, तो देखिए उस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल हुआ था क्योंकि बारिश हो रही थी लगातार, रास्ते ही नहीं बचे थे, लोग बड़ी मुश्किल से वहां पर जो है चलकर पहुंच पाए थे या एयरलिफ्ट किया गया था। लेकिन जब हमने DGP से आज बात की तो उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि कल दोपहर तक ही परिस्थितियों को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया था
और हेलीकॉप्टर्स की मदद की जरूरत नहीं है, हमारी जो ग्राउंड टीम्स हैं वही सफिशियंट हैं, वही काफी है। आपके पास मीनाक्षी तपोवन से ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट देख रहे थे मीनाक्षी कांडवाल की। रुक करूंगी रेणी गांव जहां पर मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा इस वक्त मौजूद है। आशुतोष, आप बता रहे थे कि वहां पर लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, वो प्रत्यक्षदर्शी है इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी आपदा के, लेकिन कैसे ये आपदा 2013 से अलग है ये भी मीनाक्षी हमें बता रही थी। इस वक्त रेणी गांव में क्या चुनौतियां हैं, वहां पर कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं, वहां से क्या रिपोर्ट, क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है? लगभग 20 से ज्यादा लोग ऐसे हैं नेहा जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। और वो कहाँ काम करते, ठीक नीचे यहाँ इस हाइड्रो प्रोजेक्ट पर। ये वही ऋषि गंगा प्रोजेक्ट है जिसकी चर्चा चल रही है कि वो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट जो पूरी तरह से तबाह हो गया, सैलाब का शिकार हो गया, ये ऋषि गंगा नदी है। दरअसल ये जो छोटा सा आप इस समय एक नाले की शक्ल में है, ये ऋषि गंगा नदी है। और बुरी खबर ये है कि दरअसल अब से थोड़ी देर पहले हम यहाँ जो नोटिस कर रहे हैं, पानी का प्रवाह है वो दरअसल थोड़ा सा बढ़ गया है। यही पानी आगे वहां जा रहा है NTPC के पावर प्रोजेक्ट के पास, आगे जो धौल नदी है उसके बाद से ये ऋषि गंगा है, ये आगे जाकर के उसी NTPC पावर प्लांट की तरफ जा रही है जहां पर बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। अब दरअसल ये भी मानना है कि ऊपर से जब ग्लेशियर आता है, टूटा है, तो वहां कई सारे छोटे छोटे तालाब की शक्ल भी बन गई होगी और वो पानी रुक रुक कर और उसके साथ ही जो बर्फ भी पिघल रही है, अगर ऐसे में स्तर बढ़ेगा तो वहां राहत बचाव कार्य में मुश्किलें आएंगी। तो यहां पर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने मदद की थी, लेकिन ये पूरा ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो आप आज तक के कैमरे पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रही हैं, यहां सबसे पहले हम पहुंचे हैं और ये मंजर दिखा रहा है कि कैसे सब कुछ अब एक कीचड़ में तब्दील हो गया है। वहां आप तस्वीरें मीनाक्षी बता रही कि किस तरह मुश्किल होगा राहत बचाव कार्य। यहां तो अभी तक कोई पहुंच भी नहीं पाया है क्योंकि दरअसल आगे जो सड़क है इसके आगे की सड़क वहीं से बह चुकी है और ये पूरा आगे का मलबा ये नहीं पता कि ये कितना गहरा होगा, दलदल किस तरह भयावह होगा। यहां तक कि हमें यहां पहुंचने के लिए पूरी जो पहाड़ी है वो पार करनी पड़ी। और हमारे साथ दरबान सिंह बने हुए हैं, लेकिन आपको दूसरी तरफ तस्वीर दिखाते हैं जो यहां पर एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगी कि पानी का प्रवाह दरअसल ऋषि गंगा में किस कदर था कि 50-60 फीट से ऊपर मलबा इस तरह उछल गया कि 50-60 फीट ऊपर सड़क तक पहुंच गया। तो सबसे पहले वहां जो आप कर्मचारियों को देख पा रही हैं वो सड़क साफ कर रहे हैं, लेकिन दरबान सिंह जी आप लोग यहां पर रहते हैं, आपको अंदाजा लौटूंगी मैं आपके पास आशुतोष, क्योंकि आंखों देखी वहां पर जो मंजर था वो काफी ज्यादा भयावह था। ऐसे में जलस्तर बढ़ने का खतरा है जिसको लेकर तमाम एहतियातन इंतजाम कर दिए गए हैं, अलर्ट जारी कर दिया गया है। गंगा किनारे जो बसे हुए शहर है उनमें ये अलर्ट जारी किया गया है। मेरे सहयोगी गौरव सावंत इस वक्त तपोवन से हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। गौरव, आप वहां पर लगातार कवरेज कर रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त क्या ताजा स्थिति है, क्या कल से अब तक स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है? कुछ बेहतर हुई है नेहा, लेकिन बहुत कम, और इसीलिए समय NDRF की एक टीम ठीक मेरे पीछे आप देख सकती हैं, यहाँ मोटे मोटे बिजली के तार हैं, उन तारों को काटा जा रहा है क्योंकि जब तक वो तार नहीं काटे जाते तब तक अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन करना बहुत ही खतरनाक है, खतरे से खाली नहीं। ये जो बड़ी JCB मशीन थी इसको अब बाहर निकाला गया है क्योंकि ये अंदर से काफी मलबा तो बाहर ले आई लगभग 150 मीटर तक, लेकिन इसको अंदर घूमने फिरने में मतलब मैनूवरिंग में बहुत परेशानी हो रही थी, इसीलिए ये टीम वापस आ गई है। अब एक छोटी JCB मशीन अंदर भेजी जा रही है, साथ ही साथ JCB मशीन मलबा तो बाहर ले आएगी लेकिन वहां पर जितना कच्चा मलबा है उस पर चलना खतरे से खाली नहीं, इसीलिए इस तरह के प्लैंक्स लेकर आए हैं ये, इस पर सिपाही अंदर चल चल के अंदर जाने का प्रयास करेंगे और लोगों को सुरक्षित बचाने का। उम्मीद अभी भी है, 28 से 30 लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं, उम्मीद अभी भी है कि उनको जीवित बचाया जा सकेगा। अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम, और ये निश्चित तौर पर एक रफ्तार, एक रेस है टाइम के खिलाफ क्योंकि हर मिनट अंदर ऑक्सीजन कम होती जा रही है। तो यहां पर टीमें उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेकर भी हैं कि अगर किसी तरह से तार अंदर पाइप के जरिए ऑक्सीजन को अंदर डाला जा सके वो भी करेंगे अगर जरूरत पड़े। आर्मी के डॉक्टर्स यहां तैनात हैं, एम्बुलेंस तैनात है, इमरजेंसी के लिए ऑपरेशन थिएटर अगर की जरूरत पड़े वो तैनात है, आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स यहां पर तैनात है। बस यही उम्मीद कि कितनी जल्दी लोगों को सुरक्षित जीवित बाहर निकाला जा सके। सेना, NDRF, SDRF, ITBP, उत्तराखंड पुलिस, हर दस्ता यहां तैनात है, बस एक मकसद,
अंदर से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, आशुतोष और मीनाक्षी, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम जानकारी दे रहे थे। जो ऑफिशियल आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें 15 लोगों की मौत बताई जा रही है, 150 से ज्यादा लोग इस वक्त लापता हैं और तपोवन डैम पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। बड़ी संख्या में वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है जो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। कुदरत का ये कहर जो चमोली ने देखा है, दरअसल उससे पार पाने में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम्स पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चुनौतियां बड़ी हैं, रात से ही ये ऑपरेशन चल रहा है और लगातार इस ऑपरेशन में जो लापता लोग हैं उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।